खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात और विपक्षी एकता को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक है। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगे हुए हैं। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद है। इसके अलावा ललन सिंह, संजय झा भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो एक बार फिर से विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर, और इस बैठक में राहुल गांधी, ललन सिंह, संजय झा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल है, इस बैठक में मौजूद है। तो विपक्ष को एकजुट करने में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में ये बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही है। अब आपको बताते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इससे पहले किन किन नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और विपक्षी एकजुट को साधने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश कुमार, उनका मिशन 2024, और ऐसे में विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है उन्होंने। इससे पहले भी वो दिल्ली जब आए थे तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। दो बार ये मुलाकात हो चुकी है। अब तक तकरीबन 15 विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं नीतीश कुमार, और ये जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, एकजुट होने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक। इसके साथ ही साथ डी राजा और सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार मिले हैं। आपको बता दें, जब वो बेंगलुरु पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धारमैया के, तो वहां पर भी विपक्षी दलों से उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है, और इससे पहले आपको बता दें ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार की मुलाकात। तो नीतीश मिशन 2024 को लेकर लगातार अपनी तैयारियों के साथ विपक्षी एकजुटता को बनाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम विपक्षी दल जिनका हम यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी सीएम नीतीश कुमार मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, और वहां पर भी झारखंड से समर्थन मांगते हुए नजर आए। आपको ये जानकारी दे दें, तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, उनसे भी काफी चर्चा हुई, और समर्थन जो है तेलंगाना के सीएम से भी नीतीश कुमार ने मांगा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिल चुके हैं। इस बार मिशन 2024 को लेकर जो एक कहा जा सकता है बड़ी बैठकें विपक्षी दलों की हो रही है, वो अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल से भी मुलाकात जो है नीतीश कुमार की हुई है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार की ये बड़ी बैठकें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं। तस्वीर भी देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल। जब ये बैठक हुई थी उसके बाद जब वो लोग बाहर आए थे, उसके बाद किस तरह की बैठक हुई, एक औपचारिक बैठक जो दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से हुई है, उसका वो ऐलान कर रहे हैं। रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है विपक्षी दलों की, बिहार के सीएम भी मौजूद हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट अंदरखाने से? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अपडेट दे दे, जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है। तकरीबन एक घंटे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में चली है, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल तौर पर नीतीश कुमार ने विपक्ष के तमाम प्रमुख नेताओं से मुलाकात किया है। अब तैयारी ये है कि जिन नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है उन्हें एक छत के नीचे एक टेबल पर लाया जाए। इसी कड़ी को लेकर आज राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है, और अगले
24 से 48 घंटे में तारीख तय कर लिया जाएगा। हालांकि जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि स्थान तय हो चुका है, बिहार के पटना में मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें तमाम अपोजिशन लीडर्स को बुलाया जाएगा जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन कौन से विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है, चाहे वो संसद हो या फिर संसद के बाहर हो, कई सारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आना चाहते हैं, उनकी मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या जो अगली मीटिंग नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई जाएगी सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एक टेबल पर, तो उस दौरान कितने राजनेता जो विपक्ष के हैं वो आते हैं? क्योंकि अभी भी मतभेद है कांग्रेस पार्टी को लेकर, कई राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद है, थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद इसीलिए की जा रही थी। अब नीतीश कुमार एक तरह से संयोजक की भूमिका में है, तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, अब कवायद ये होगी कि सभी को एक कमरे में लाया जाए। तो देखना ये होगा जब मीटिंग तय हो जाएगी अगले 24 से 48 घंटे में कि किस तारीख को ये मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में कौन कौन से विपक्ष के दल पहुंचते हैं शामिल होने के लिए, और क्या सिंगल पॉइंट एजेंडा इन तमाम विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि संयोजक की भूमिका में जरूर नीतीश कुमार हैं, और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री के फेस को लेकर भी इस मीटिंग में मंथन होगी कि आखिरकार ये जो तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं उनका चेहरा कौन होगा, क्या नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होगी, ये तमाम चीजें उसी दिन तय होगी जब तमाम विपक्ष के एक साथ जो राजनीतिक दल हैं वो एक मंच पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ऐसे में रवि, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा 2024 में अपोजिशन की तरफ से, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार से सवाल जवाब किया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। हालांकि पार्टी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ताओं से जरूर सुनाई देने लगा है और नेताओं से कि ऐसा नहीं है कि पीएम बनने के इच्छुक हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अगर पीएम के दावेदार होंगे तो हमें खुशी होगी। तो ये बातें भी जो है वो भी सुनाई दी है वक्त दर वक्त। अब बिल्कुल देखिए, इसीलिए नीतीश कुमार लगातार संयोजक की भूमिका में हैं और इसीलिए तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और महागठबंधन बनाने की कवायद भी कस रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लगता है कि चेहरा उन्हीं का होगा। आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी यही काम किया करते थे, लगातार वो विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात करते थे और विपक्ष के तमाम राजनेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे थे, पर शायद बात नहीं बन पाई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब 2024 में उस काम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उन्होंने विपक्ष के तमाम राजनेताओं से मुलाकात कर ली है, अब उनकी कोशिश होगी कि सभी को किसी तरीके से एक साथ लाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में और तमाम अलग अलग राज्यों में मतभेद है राजनीतिक दलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी की भी इकाई नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में एक साथ लड़ाई हो। तेलंगाना को अगर देखें तो तेलंगाना में भी केसीआर के साथ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में नहीं जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के पक्ष में सभी राजनीतिक दलों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोकसभा विधानसभा चुनाव में अगर एक साथ नहीं जाते हैं तो कम से कम लोकसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं, सीटों का फार्मूला तय किया जा सकता है। हमने देखा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, हर जगह पर नीतीश कुमार घूम आए हैं, वहां के विपक्षी दलों से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं एक मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है अगर होती है तो। देखिए, उनकी बातचीत डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष से हो रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इसीलिए वो कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं जा रहे हैं और वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे, और विधानसभा चुनाव को लेकर ये महामंथन या फिर ये महागठबंधन बनाने की कवायद नहीं हो रही है, और उनकी बातचीत पहले ही जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो रही है तो इसलिए वो विपक्ष के जो और बड़े मजबूत चेहरे हैं, जो नाम है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो अशोक गहलोत हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, क्योंकि एक महागठबंधन बनाने की वो कवायद कर रहे हैं और महागठबंधन में विपक्षी दलों का वो साथ चाहते हैं, कांग्रेस का साथ उन्हें मिल रखा है, इसीलिए वो संयोजक की भूमिका में सभी दलों के राजनेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और ज्यादातर विपक्ष के राजनेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब उनकी कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने में वो कितना सफल हो पाते हैं, एक साथ कितने राजनीतिक दलों को ला पाते हैं, ये एक बड़ा चुनौती होगा नीतीश कुमार के सामने। पर फिलहाल उनकी मुलाकातों का जो दौर है विपक्षी दलों के साथ वो खत्म हो चुका है, अब वो इनविटेशन भेजेंगे और सभी को एक साथ बुलाएंगे कि आप एक साथ एक मंच पर आइए, तब जाकर तस्वीर जो साफ हो पाएगी कि कौन नेता।
चलिए, ये विपक्षी एकजुटता के लिए अहम बैठकें जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। असर कैसा होगा 2024 चुनाव को लेकर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।